नमस्कार साथियों, मैं प्रज्ञा पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का रॉज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। देखिए, हिजबुल्ला के ऊपर हुआ है एक बहुत ही ज्यादा डेडलीस्ट अटैक। अगर हम यहाँ पर बात करें, 3,000 से ज्यादा लोग यहाँ पर इंजर्ड हो चुके हैं। इस समय मैं आपको इनमें से किसी भी चीज की फोटो नहीं दिखा सकती, लेकिन अगर आप गूगल पे जस्ट सर्च करेंगे पेजर ब्लास्ट, तो आपको केवल और केवल यही न्यूज हर जगह पर देखने के लिए मिलेगी। बेसिकली यहाँ पर 17 तारीख की अगर हम बात करें, तो जहाँ पर पूरा देश यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहा था गणेश विसर्जन के बारे में, अगर हम इंडिया की बात करें, तो वहीं पर यहाँ लेबनान में जो घटना घटी है, ये थोड़ी सी दिल दहला देने वाली है। क्योंकि आपको पता है, पेजर जो कि एक छोटी सी डिवाइस होती है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, डिजिटल डिवाइस भी नहीं है कि जिसे हैक किया जा सकता है। छोटी सी डिवाइस जिसे यूजुअली लोग अपनी बेल्ट पर, अपने पॉकेट्स के आसपास लगाते हैं। सोचिए जरा, जब ये यहाँ पर ब्लास्ट हुई है, तो किस तरीके की सिचुएशन हमें देखने के लिए मिली होगी। आप गूगल करेंगे तो आपको सिर्फ यही यही न्यूज हर जगह देखने मिलेंगी कि पेजर आखिर है क्या, क्या है ये डिवाइस जो लोगों के लिए यहाँ पर मौत की सिचुएशन यहाँ पर इसने क्रिएट कर दिया। और बिकॉज ऑफ दिस अगर हम बात करें, तो जो इसराइल और हिजबुल्ला के बीच की जो ये टेंशन है ना, ये थोड़ी सी और एस्केलेट होती हुई हमें नजर आ रही है। क्योंकि हिजबुल्ला का क्लियरली बोलना है कि इसराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसके द्वारा ये कृत्य यहाँ पर किया गया है। हालांकि अभी तक अगर हम बात करें, एज ऑफ नाउ जब तक मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो किसी ने भी इस बात की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है। यहाँ पर समझने की कोशिश करिए, ये जो हिजबुल्ला के मेंबर्स हैं, हूँ क्या है, देखिए इंपॉर्टेंट क्या है समझने के लिए, कि पहले सभी के पास पहले एक पेजर है। आप देखिए, 1948 में पेजर्स यहाँ पर इन्वेंट हुए थे। पेजर्स के बाद धीरे धीरे उसकी जगह मोबाइल फोन्स ने ले ली। मोबाइल के बाद अब किसी को भी पेजर की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला प्रश्न ये आ जाता है कि हिजबुल्ला आखिर पेजर का इस्तेमाल क्यों कर रहा था। देखिए, हिजबुल्ला की अगर हम बात करें, तो इनके दिमाग में कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर था कि भाई अगर हम मोबाइल फोन का इस्तेमाल करेंगे ना, तो ये आसानी से हैक हो जाएंगे। इसीलिए अगर हम हिजबुल्ला के चीफ की बात करें, तो हसन नसरल्ला, इन्होंने यहाँ पर दिमाग चलाया और इन्होंने बोला कि देखिए, हम क्या करेंगे, हम पेजर जैसी डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि इसमें देखिए, ईमेल वगैरह तो आएगा नहीं, एक छोटा सा टेक्स्ट मैसेज आएगा। जैसे आप बाहर निकालेंगे, आप मैसेज देखेंगे, व्हाट एवर यू वांट टू डू, आप उसके ऊपर रिएक्शन कर सकते हैं। अब आप देखिए, अगर मैं ये बोलूं कि जी हाँ, इसराइल यहाँ पर शामिल था, टेक्नोलॉजिकली मामले में हमें उनको यहाँ पर बोलना पड़ेगा कि उन्होंने जो ये किया, ये सभी के दिमाग को हिला देने वाली चीज है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को किस तरीके से हैक किया गया, क्या किया गया है, कोई भी अभी इसके बारे में अंदाजा नहीं लगा पा रहा है। तो देखिए, इन्होंने यहाँ पर बोला कि भाई हैक नहीं होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पेजर का इस्तेमाल करेंगे। और पेजर के इस्तेमाल का ही जो ये चलन है, ये यहाँ पर शुरू हो गया। 1948 के बाद का दौर अगर हम देखें, आप और हम सभी लोग यहाँ पर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हिजबुल्ला की अगर हम बात करें, लेबनान के आसपास के पूरे क्षेत्रों की बात करें, तो जो ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, ये इस्तेमाल किया जाता है पेजर। और इसी घटनाक्रम में ताइवान की एक कंपनी, अब आपको पता है, देखिए बहुत सारे लोग, चीज का चलन ज्यादा नहीं, उसे ज्यादा लोग तो बनाएंगे नहीं, लिमिटेड कंपनी जिसको बनाते हैं, वैसे ही ताइवान की एक कंपनी है जिसकी अगर हम बात करें, अपोलो, गोल्ड अपोलो, तो ये यहाँ पर इसको मैन्युफैक्चर करती है। रिसेंटली हिजबुल्ला ने 3,000 डिवाइसेस का यहाँ पर ऑर्डर दिया था कि भाई हमें 3,000 डिवाइसेस चाहिए। और ऐसा माना जा रहा है, बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगर हम बात करें, बहुत सारे अलग अलग रिसर्च के अनुसार बात करें, सभी का बोलना ये है कि ये ताइवान में जहाँ पर इनका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था, वहां पर इसराइल की मोसाद ने इसके अंदर एक छोटा सा PETN बॉम्ब यहाँ पर फिट कर दिया, जो जैसे ही बाद में ब्लास्ट हुआ। अब ये पूरी घटनाक्रम हुआ कैसे, ये थोड़ा आपको समझने के लिए जरूरी है, क्योंकि ये इस तरीके का आपको मूवी पिक्चर का सीन ही लगेगा। तो हिजबुल्ला के बहुत सारे लोग हैं अलग अलग जगह पर, लेबनान के अलग अलग शहरों में, एक मैसेज आता है, बीप 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 की आवाज आती है। और आपको पता है, अगर बीप की आवाज आई हो, पेजर पर कोई मैसेज आया है, तो आप उस पेजर को बाहर निकालेंगे और आप पढ़ेंगे। अब आप सोचिए, एक डिवाइस जिसको आपने हाथ में लिया है, एंड सडन बू, बहुत सारे लोग, 3,000 से भी ज्यादा लोग इसमें घायल हो चुके हैं, 9 लोगों की लगभग यहाँ पर मृत्यु हो गई है। और अभी शायद ये जो नंबर है, ये जो काउंट है, अभी हमें नहीं पता है। कैन यू इमेजिन द सीरियसनेस ऑफ दिस ब्लास्ट, की ये कितना बड़ा ब्लास्ट है। एक डिवाइस जिसे आपने अपनी पॉकेट, आपने अपनी वेस्ट पर लगा रखा है, तो कितना नुकसान लोगों के शरीर को हुआ होगा। और जिन लोगों के हाथ में डिवाइसेस थी जब ये ब्लास्ट हुई है, तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। क्योंकि ये सीन्स कुछ इस तरीके के हैं कि जिन्हें हम यहाँ पर दिखा नहीं सकते आपके सामने। आप चाहें तो आप गूगल कर सकते हैं पेजर ब्लास्टिंग इट इज, तो आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। और इसी के बाद हिजबुल्ला स्टेटमेंट दे रहा है कि देखिए, इसराइल ने ये जो किया है ना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये गलत है, और इसकी वजह से हमारे बहुत सारे लोग मारे गए हैं। अब देखिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें क्यों है, क्योंकि इसकी वजह से जो टेंशन है ना, ये एस्केलेट हो रही है। आपको पता है, ऑलरेडी यहाँ पर इसराइल वर्सेस हमस चल रहा है, और हमस के साथ लेबनान का भी यहाँ पर कनेक्शन आपको देखने में मिलेगा। इस तरीके की जो घटना घट गई है ना, आप मान के चलिए, पूरे लेबनान में जितने भी लोग हैं ना, वो किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हाथ लगाने के ऊपर भी अब यहाँ से डरेंगे। हम यूजुअली देखते हैं कि न्यूक्लियर वॉरफेयर होता है, हम देखते हैं डिजिटल वॉरफेयर होता है, चाइना जैसी कंट्रीज डिजिटल वॉरफेयर करती हैं, जहाँ पे वो हमारी इन्फॉर्मेशन को लीक कर लेती हैं, ठीक है। लेकिन
आप देखिए मुसाद ने जो किया है ना, इसे हम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यहाँ पर बोलेंगे, अगर मुसाद ने ऐसा किया है तो। और इसी की वजह से ये जो टेंशन है ये लगातार बढ़ती जा रही है। तो पेजर की अगर हम बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया, छोटी सी डिवाइस होती है जिसपे केवल और केवल कुछ लाइनों का एक मैसेज आ सकता है, बीप यहाँ पर हो सकता है, आप केवल और केवल इसको रिसीव कर सकते हैं, डिस्प्ले होता है, अल्फा न्यूमेरिक वॉइस और मैसेजेस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। 1980s में इनका चलन शुरू हुआ था, आज की डेट में इनका चलन ऑलमोस्ट खत्म हो गया। हम बात करें लेबनान में जो मिलिटेंट ग्रुप है हिजबुल्ला, वो इस समय इसका इस्तेमाल आपको ज्यादातर करता दिखाई देगा। और इसी के बाद लेबनान ने यहाँ पर, जो कि ईरान, आपको पता है ईरान की प्रॉक्सी है लेबनान, तो यहाँ पर इन्होंने बोल दिया है कि भाई ये जो घटना, ये जो हरकत इन्होंने की है ना, ये गलत है, एंड वी विल पनिश देम। इजराइल हमारे एनिमी है एंड दे आर फुल रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरी एक्शन व्हाट दे हैव डन। इनकी वजह से जितने लोगों की मृत्यु हुई है ये भी इसराइल की मोसाद एजेंसी का यहाँ पर काम है। हालांकि इसराइल ने यहाँ पर क्लियर कट अभी भी कोई आंसर नहीं दिया है, उनका बोलना है कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है। आपको मैं एक इमेज यहाँ पर दिखा रही हूँ, आप देखेंगे तो ये सभी यहाँ पर मेड इन ताइवान आपको देखने मिल रहे हैं, कंपनी का नाम अपोलो गोल्ड है। ये सेम बैरूत में भी यहाँ पर जो ब्लास्ट हुआ वो भी सेम कंपनी का है। जो आपको बाकी इमेजेस दिखाई दे रही है ये भी सेम कंपनी की मैन्युफैक्चर की हुई है। और इसी के साथ बार बार कयास लगाए जा रहे हैं कि जो इसराइल है इसने ही यहाँ पर एक बॉम्ब यहाँ पर प्लांट किया था। इतना छोटा बॉम्ब था कि ये यहाँ पर किसी को दिखा नहीं, जैसे ही यहाँ पर एक मैसेज आया सभी के डिवाइसेस पर, जैसे भी उन्होंने ओपन किया और बटन को प्रेस किया रीड करने के लिए, उसी के साथ ये जो PETN यहाँ पर इंस्टॉल किया गया था बॉम्ब, ये ब्लास्ट हो गया। राइट, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पहली बार नहीं है जो इस तरीके के आरोप यहाँ लगाए जा रहे हैं इसराइल के ऊपर। ऐसा कर चुका है, ऐसा बोला गया था अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा के विश्लेषक डेविड कैनेडी के मुताबिक। अगर हम बात करें तो इसराइल ने 1996 में भी हमास के नेता याया आयश की हत्या के लिए उनके फोन में 15 ग्राम का RDX यहाँ पर लगा दिया था। हालांकि ये हम कह नहीं सकते कि ऐसा मुसाद ने किया है या नहीं किया है, लेकिन मुसाद को दुनिया में जाना किस तरह से लिया जाता है कि जब भी वो मुसाद बदला लेने के लिए आता है तो वो कर जाता है जिसको किसी ने सोचा नहीं था। अब आप सोचिए कि आप कभी सोच सकते हैं कि किसी की पेजर डिवाइस को हैक किया जा सकता है? आप मोबाइल फोन के बारे में सोच सकते हो, इसी से तो हिजबुल्ला बच रहा था। हिजबुल्ला यही तो चाहता था कि भाई हम मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। अब आप सोचिए इसराइल ने पूरे की पूरी कनेक्टिविटी को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया है, और इसी के साथ साथ एक डर जो लेबनान के जो लोकल लोग, जो नॉर्मल लोग हैं, जो इस मिलिटेंट ग्रुप का पार्ट नहीं भी है, उनके अंदर अब ये डर आ गया है कि अगर हम किसी डिवाइस का यूज कर रहे हैं तो ये कितनी सुरक्षित है। अभी तक तो हमें लगता था ओ फोन है हमारे सामने लैपटॉप है, हम स्क्रीन को कवर कर देते हैं, हम कैमरे को कवर कर देते हैं कि हमारी बातें सुनी जा रही है, हमें देखा जा रहा है, लेकिन पेजर पर तो कुछ भी नहीं हो रहा था, कोई मेल नहीं, कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं। नाउ व्हाट, ये जो हुआ है ना, ये अगर हम बात करें डिजिटल वर्ल्ड के हिसाब से, इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड के हिसाब से, तो दिस इज समथिंग जिसको किसी ने भी सोचा नहीं था कि ऐसा किया जा सकता है। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो US जो कि यहाँ पर इसराइल को बैक करता है, उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि भाई हमारा इससे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसराइल की तरफ से कोई स्टेटमेंट हमें देखने नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर हम बात करें हिजबुल्ला की, तो उन्होंने क्लियर कट स्टेटमेंट यहाँ पर दे दिए हैं कि ये जो पूरी की पूरी घटनाक्रम है ना, इसके लिए केवल और केवल मुसाद रिस्पॉन्सिबल है। अब आप देखिए, आपको क्या लगता है कि क्या हम लोग सुरक्षित है? अब आपको समझ में आ रहा होगा कि व्हाई इंडियन गवर्नमेंट इज कंटिन्यूअसली बैनिंग चाइनीज प्रोडक्ट्स। ठीक है, चाइना, देखिए चाइना ब्लास्ट वगैरह करने में इतना विश्वास नहीं करता ना, आपकी इंफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि आपको मारने से ज्यादा जो बुरा आपके साथ किया जा सकता है ना, वो आपकी इंफॉर्मेशन लीक करके किया जा सकता है। इसीलिए आप समझिए, सुरक्षा दृष्टि से अगर हम बात करें, अगर हम सबक लेना हो इसराइल के, इसराइल और लेबनान की इस एक्टिविटी से, तो हमें सीखना होगा कि किस तरीके से जो हमारी आर्मी है, जो हमारी नेवी है, जो हमारे सोल्जर्स है, इनकी जो इन्फॉर्मेशन है ये कितनी ज्यादा, कितनी प्रूफ्ड नहीं है। अगर पेजर के साथ ऐसा किया जा सकता है तो मोबाइल डिवाइसेस का, और भारत की सुरक्षा यहाँ पर किस तरीके से खतरे में है ये भी हमें समझना होगा। एंड दिस इज अ हाई टाइम जहां पर हमें कुछ चीजों को रेक्टिफाई करना जरूरी है। चाइनीज मोबाइल, चाइनीज एप्लीकेशन, इनको कहीं ना कहीं हमें रोकना होगा ताकि भारत की जो इंटरनल सिक्योरिटी है, भारत की जो सोवरेनिटी है, उसे भी मेंटेन किया जा सके। सो आपका क्या विचार है इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर